हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हाउ डज द गामा वेरी। गामा क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो गामा कैसे वेरी करता है? विद टेम्परेचर। ठीक है, कॉपर मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो गामा वर्सेस टी का ड्रॉ करेंगे, किसका? कॉपर का। टेम्परेचर ले लो यहाँ पर इन केल्विन। ठीक है, और ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, यूनिट क्या आ जाएगी इसकी? 1 बाय केल्विन। सही है। तो देखो, हमारे पास अप टू 250 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है हमारा। ठीक है, 250 केल्विन तक गामा की वैल्यू क्या हो रही है? हमारी इंक्रीज कर रही है। सही है। उसके बाद देखो, गामा इंक्रीज करेगा, फिर ये जाके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा नियर दी टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। ठीक है, यानी टेम्परेचर के साथ गामा वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो गामा होता क्या है? गामा इज चेंज इन वॉल्यूम ना, चेंज इन वॉल्यूम विद टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। यूनिट क्यूब का अगर वॉल्यूम ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास गामा की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ 10^-5 पर केल्विन। ठीक है, तो ये 3 तक। ठीक है, और ये किधर जा रहा है? अप टू 6। सही है। सो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, यानी गामा पहले इनिशियली इंक्रीज करेगा, जैसे यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ एक्सपेंशन भी क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है। एक्सपेंशन इंक्रीज होता गया फिर 500 केल्विन के पास पहुंच के कॉपर की एक्सपेंशन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कांस्टेंट रेट पे अब ये क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड तो करेगा बट कांस्टेंट रेट पे क्या करेगा हमारा? एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो गामा क्या था? इंक्रीज इन वॉल्यूम ना। ठीक है, गामा क्या है हमारे पास? इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो टेम्परेचर हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, तो गामा क्या कर रहा है हमारे पास? इंक्रीज कर रहा है, यानी पहले थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फिर ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फिर वॉल्यूम इंक्रीज और ज़्यादा हुआ, ऐसे करते करते फिर गामा क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट रेट पे गामा क्या करेगा हमारा? इंक्रीज होगा। किसका? या मेटल का सरफेस कांस्टेंट रेट पे क्या करेगा? इंक्रीज। पहले यानी कि कम टेम्परेचर पे कम एक्सपेंशन हो रहा था, वॉल्यूम में इंक्रीज कम हो रहा था, ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, फिर गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। यानी अगर कांस्टेंट होने का मतलब, जैसे 500 केल्विन के बाद इसकी वैल्यू आ गई सपोज 5×10^-5। तो यानी 5×10^-5 तक इसमें एक्सपेंशन रहेगा every 1 degree Celsius rise in temperature। ठीक है, next we are going to discuss about coefficient of cubical expansion of an ideal gas।